गाइस कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। खैर, अब बात करें अगर इस वीडियो की तो बैटल रॉयल के अंदर फाइनली रिफ्ट आ चुका है और उसको आज मैं फुल एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि एक्सप्लोर करते समय मुझे इसके बारे में और भी बहुत कुछ पता चला जो आपको मैं बताने वाला हूं उस वीडियो में। तो कोई और नहीं बताएगा तो वीडियो पूरा जरूर देखना और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। तो हेलो दोस्तों, मैं राखाल, डार्कज़िला के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो बकचोदी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, ये रिफ्ट जो आपने पहले हिल पे एक टेंट के साथ एक मैप को देखा था तो उसी के ऊपर ही ये बनाया गया है, तो उसी के ऊपर ही आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जब भी आप आओगे ना तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक म्यूजिक सुना देगा जो इसके माहौल को और भी शानदार कर देता है। और एक शौक की बात करें तो भाई, यहाँ पे आप जब भी आओगे ना तो यहाँ पे लैंड करने के तुरंत ही आपका जो मैप है वो ब्लर हो जाएगा। तो ये शौक जैसा ही है क्योंकि इसके वजह से आपको आसपास में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया क्योंकि मैं टेंट के पास भी गया, टेंट के पास भी कुछ भी वहाँ भी एक चेंजेस नहीं किया गया है। बस ये आ गया है तो देखते हैं क्या। उम्मीद तो है बस सीजन 4 में आ जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला गिफ्ट बॉक्स आप जो देख पा रहे हो ना, तो इसके सामने आप जब भी जाओगे ना तो आपको ये वाला आइकन मिलेगा और इस आइकन पे टैप करने के तुरंत आपके सामने ये होगा और इसके अंदर से आपको कुछ भी मिल सकता है। बस थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक आपका मनपसंद बंदूक मिल नहीं जाता। और यहाँ मुझे आरपीडी मिल गया जो बहुत ही अच्छा गन है। और इधर आप जब आओगे तो आपको वही पुराना मैप दिखाई देगा जो इतने दिन हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो देखने से तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आते समय मैंने इसके ऊपर दो सोलर पैनल्स देखा था, तो उसके ऊपर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका व्यू आपको कैसा लगता है इसके ऊपर से। भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका ये वाला व्यू कैसा लगा। और इधर चल के आपको एक हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा, हालांकि हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं यहाँ से लैंड करने के, मतलब यहाँ से उतरने के लिए आपको हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे उसके बगैर भी आप यहाँ से उतर सकते हो, बट अगर आप चाहो कि डैशिंग तरीके से आप यहाँ से उतरो तो आप भाई उसे यूज कर सकते हो। और यहाँ से आप बड़े आराम से स्नैपिंग भी कर पाओगे। बस ध्यान सिर्फ एक बात का रखना कि आप जब मारोगे तो वो एनिमी आपको कहीं देख ना दे और आपको हेडशॉट भी ना दे। और भाई एक मजेदार की बात करें तो आप जब भी आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको थोड़ा तेज दौड़ने की पावर भी मिल जाता है, जो शक्ति है ना आपको सुन के थोड़ा अजीब भी लगेगा बट ये सच्चाई है। आपको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा पावर मिल जाता है जो 4 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो भाई मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा और आप भी देख सकते हो इस वीडियो क्लिप में। और अब मैं आपको इसका नीचे का व्यू भी दिखाता जो डेवलपर्स ने बहुत ही अच्छा अच्छी तरीके से बनाया। तो ये है वो मैप जो इतने दिन शक के दायरे में छुपा रहा और आज वो हमारे सामने खुल के आया। खैर, अब बात करते हैं इसके नीचे के व्यू के बारे में। तो इसके नीचे से आपको कुछ गिरता हुआ दिखेगा जो इसके माहौल को, जो ये जो रिफ्ट है इसको और भी ज्यादा मजेदार बनाता है। और ये देखने से भी बहुत ही अच्छा, मतलब शानदार देखने को मिलता है। और यहाँ आपको हाई लूट भी मिलता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको जो जो चीज मिलेगा ना वो कहीं और नहीं मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको वो वीडियो दे दूंगा बना के कि यहाँ पे आपको कितने सारे चीजें आपको मिल सकती है, वो भी देख लेना। आने वाले टाइम पे मैं और भी ज्यादा तगड़ी वीडियोस बनाऊंगा तो जुड़े रहना डार्कज़िला लाइव पे। और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोगों को भी पता चले। और अब मैं बात करता हूँ एक मजेदार चीज की, तो बहुत जल्द मैं 2 और वीडियोस ऐड करने वाला जहाँ मैं सिर्फ चैलेंजेस पूरा करूंगा। आप चैलेंजेस दोगे तो मैं वो भी कवर करने की मैं कोशिश करूंगा और वो वीडियो संडे और थर्सडे को आएगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं वो 2 वीडियोस बस हफ्तों में 2 वीडियोस दूंगा, बस 2 वीडियोस ऐड करने वाला हूँ। जैसा वीडियोस आ रहा था वैसा ही वीडियोस आएगा, बस 2 और मतलब ऐड करने वाला हूँ, 2 और ज्यादा वीडियोस आएगा और वो वीडियोस आपको संडे और थर्सडे को मिलेगा। तो वही आने वाले दिनों में अपडेट्स के साथ आप एंटरटेन भी हो जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।